जय माता की, जय जगदम्ब, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। सबको नवरात्र की मंगल में शुभकामना। नवरात्र चल रही है, आप लोग आराधना उपासना में लगे हुए हैं। जो हम नवरात्र में जो पूजन आराधन करते हैं या कोई भी आप पूजा करते हैं, तो उसमें एक फल जरूर चढ़ाया जाता है जिसका नाम है श्रीफल, नारियल। संपूर्णता का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो ये नारियल कभी कभी क्या होता है कि सड़ा हुआ निकल जाता है, और जब सड़ा हुआ निकलता है तो इसके लिए आप लोगों से पूछिए तो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, शुभ है अशुभ है, ईश्वर दे रहे हैं कुछ संकेत, और पूजा हो गई आपकी पूरी, मनोकामना आपकी हो गई पूरी, बात गले के नीचे नहीं उतरती। कोई फल आप ले आ रहे हैं और वो फल सड़ जाए तो आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो जाएगी? आप नारियल ले आए, नारियल सड़ा हुआ निकल गया, और हम लोगों से बताते हैं कि माँ ने आपका प्रसाद स्वीकार कर लिया, इसका मतलब जब तक आपका आपकी स्वीट सड़ेगी नहीं, आपके माँ ने स्वीकार नहीं किया। आपका सेब माँ के सामने रखा हुआ है, सड़ा नहीं तब तक माँ ने स्वीकार नहीं किया। केला आपने रख दिया, माँ तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक सड़ेगा नहीं, या इंतजार करिए एक हफ्ता रख के सड़ जाए तो मानिए कि माँ ने स्वीकार कर लिया। गूगल पे आप देखेंगे तो ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं, ज्यादातर लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैला रखी है। नारियल अगर आपका सड़ गया तो माँ ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली, पूजा आपकी पूर्ण हो गई। नहीं, गलत परंपरा, गलत एक बात निकली, लोगों ने उसको फॉलो कर लिया। कैसे आप कह सकते हैं कि माँ ने स्वीकार कर लिया? इसका मतलब है कि अगर आपकी खीर पूरी जब तक सड़ेगी नहीं, माँ प्रसन्न नहीं हो रही है। आपने जो भी प्रसाद चढ़ाए हैं जब तक वो सड़ नहीं रहे, माँ प्रसन्न नहीं हो रही है। बादाम आपकी सड़ गई, अखरोट सड़ गई, जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो सड़ गया तो माँ प्रसन्न है, मतलब तो यही हुआ ना। देखिए, इसको समझना है तो थोड़ा सा अंदर तक जाना होगा। नारियल क्या है? इसको बोलते हैं श्रीफल, लक्ष्मी जी का फल है। श्री माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मी शुक्र चंद्र इन तीनों की कनेक्टिविटी बन रही है। जो उसका जल है, नारियल का जल है, वो चंद्रमा का स्वरूप है। चंद्रमा जैसी शीतलता है, चंद्रमा जैसी स्निग्धता है। लोग नारियल का जल पीते हैं तो उनकी त्वचा बहुत सॉफ्ट हो जाती है, शरीर की गर्मी शांत हो जाती है। चंद्रमा क्या करता है? शरीर की गर्मी को शांत करता है। और जो नारियल के जल के बाद का जो भाग होता है वो शुक्र का होता है, इसीलिए वो जल को पीने से चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ शरीर में प्रभावी होते हैं, तो आपकी त्वचा पे शुक्र का ग्लो आता है, शुक्र का ग्लो आना शुरू होता है। चंद्रमा शुक्र जो उसके ऊपरी का भाग है, ऊपर वाला भाग है जहां से नारियल का गोला निकलता है, आप कभी देखिए उसको, उसका कलर बृहस्पत का कलर कुछ मैच करता है, वो बृहस्पत है, ठीक है ना। उसके ऊपरी की परत फिर मंगल है, और उसके ऊपर का परत जहां पे जटाएं हैं वो शनि है, और उसके ऊपर नीचे के राहु केतु हैं। ये पूरा नवग्रह मंडल है महाराज, ठीक है ना। तो अगर आपका नारियल सड़ रहा है तो आप जान लीजिए कि आपके कुंडली में आपका शुक्र और आपका चंद्रमा इस वर्ष पाप प्रभाव में आ गया है। आपके घर में जो स्त्री पक्ष है उसको कष्ट मिलेगा। आपके घर में चंद्रमा शुक्र दबाव में आ रहे हैं तो आपके यहाँ सुख सुविधा कमी होगी, और भावना में बह के आप गलत निर्णय लेंगे। शुक्र का प्रभाव का आने का मतलब किसी को आप पैसा दे देंगे जो पैसा वापस नहीं लौटेगा। अगर नारियल पूरा सड़ जाए, ये तो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सड़ा हुआ है, नारियल अगर पूरा सड़ रहा है तो एक बहुत बड़ा संकेत है, ठीक है ना। वो संकेत ये है कि अब उसको कवर किसने कर रखा है? शनि ने कवर कर रखा है, अंदर से सब कुछ सड़ गया है। तो मतलब अब शनि आपके ऊपर निर्णायक भूमिका में आएगा। आपने अगर किसी के धन ले रखे हैं, किसी का धन दबा रखा है, किसी का आपने कुछ भी दबा रखा है, उसका हक मार रखा है, तब अब शनि निर्णयात्मक भूमिका में आ गए हैं और शनि आपको दंड देंगे। आप चेक करिए आपकी कुंडली में ढैया, शनि के साढ़े साथी कष्टेश द्वादशेश तो नहीं चल रहे हैं, शनि का गोचर राहु का गोचर तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो सावधान हो जाइए। सड़ा हुआ नारियल माँ प्रसाद ग्रहण नहीं करती, माँ को ग्रहण करने के लिए बहुत सी सारी सामग्रियां हैं। ये प्रतीक है आपकी नवग्रह मंडल में कि कौन सा ग्रह कमजोर हो रहा है। तो अगर ये चीजें घटित हो रही हैं, सड़ रहे हैं, तो देखिए किस स्तर तक सड़े हैं। सिर्फ चंद्रमा सूख गया है, या शुक्र का ग्लो भी जा रहा है, या बृहस्पति तक सूख गया है,
मंगल पे इफेक्ट डाल रहा है, अब उसको सारी चीजों को शनि जो है फिर आपके ऊपर निर्णयात्मक ढंग से कार्रवाई करेगा। तो सावधान हो जाइए, जग जाइए। अगर आपका पूजा का नारियल सड़ गया है तो इस चीज को इंगित करा रहा है कि अब आपको अपने जीवन शैली को देखना पड़ेगा, कर्तव्य बोध को देखना पड़ेगा। जो आप कार्य करने के लिए बने हैं वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं। अतः माँ के लिए इशारा है, माँ का इशारा है कि अब मैं अपनी शक्ति हटा रही हूँ और शनि तुम्हारे ऊपर निर्णयात्मक कार्यवाही करेगा। कोड क्या होता है ना, जो आपको घर आपका गिराया जाता है उसको पहले नोटिस दी जाती है, आपका घर गिराया जाएगा, उसी तरह ये नोटिस है आपके लिए कि आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है, अगर आपके नारियल में अंकुर आ गए या नारियल के अंदर बीज आ गया तो क्या होगा, उसकी चर्चा अगले वीडियो में। आपके लिए